अभी हम लोग जा रहे हैं लंच करने, और पता नहीं अब कहाँ जा रहे हैं हम भाई वैसे। और शोभी का फोन रह गया अब साल भाई की गाड़ी में, पहले तो फोन उससे पहले आप जानते हैं। हाय एवरीवन, वंस अगेन वी आर इन दुबई मॉल, और एनिवल जी लोगों ने दुबई मॉल को तो जितना एक्सप्लोर कर लिया है ना, अगली दफ़ा के टूर के लिए कुछ भी नहीं। हाँ अभी हम कुछ खाएंगे पहले, उसके बाद हम कहीं जाएंगे। मेरी गड्डी नू पता नहीं किनिया, हुण पहले मेरे को वाइट सी हुण ब्लैक आ, ते मैं ही तुसीं ले लै गया नाल सिर्फ कॉल करनी सकती है जी, अस्सी दी स्पीड सीधी रहनी है, घट वध नहीं। मैं अबू धाबी च भी पिछले ओवरटेक लई हल्की फुल्की तो स्पीड उत्ते करनी है, 100 तो ये हमारे पीछे है चाइना टाउन, और हम लोग हैं दुबई मॉल में, और फाउंटेन वाला व्यू तो हमने कितनी दफा जो है वो कैप्चर किया, बट आज फिर देखेंगे। हमें लगी थी भूख और हम हैं आज शाइन घर के साथ। हमारे पीछे है चाइना टाउन है, ये मेरे पीछे वाटर फाउंटेन है जिसके आगे हमने ढेरों पिक्चर लिया। अब हम जाएंगे नहीं, मैं सिर्फ और सिर्फ आपको पिक्चर्स दिखाऊंगी व्लॉग में, ठक ठक ठक, बट वी कैन टेक एटलीस्ट वन पिक्चर, हाँ, फॉर द एविडेंस हाउ मेनी टाइम्स यू हैव टेकन। जनाब इस वक्त हम लोग हैं, आज हम कुछ चाइनीज खाएंगे, और अभी हम जा रहे हैं चाइनीज रेस्टोरेंट। हमने सोचा कि आई लव दुबई, टॉयज के साथ ये सारा बनाया है, यू कैन सी। आज हम चाइनीज रेस्टोरेंट में है, और ये जो है ये इलेक्ट्रिक चूल्हा सा है, यहाँ भी आके वो लोग कुक करें, सानी है। और आज हम भाई के साथ हैं, भाई वैसे आधे सिख आधे पंजाबी, बल्कि आधे नहीं पंजाबी हुई है। फर्स्ट दे सर्व स्वीटी टू अस, तो इन्होंने हमें दिए हैं फ्रूट्स, और शो भी ट्राई कर रहा है ग्रेप्स को मजे की बात बताऊं, यहाँ पे ये खाना जो है वो लाइव कुक होता है। Okay.
भाई नाइस प्लेस, मजा आया। तो खाने के बाद हम करेंगे शिक 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 मशहूर हो डर लगता है गाइस आज चाइनीज का वैलेंटाइन डे है और आज हम चाइनीज का वैलेंटाइन डे मनाएंगे और ये चॉकलेट्स लेके आए हमारे लिए। जनाब हमने जिन फोटो बूथ में जो है फोटो आज चाइनीज वैलेंटाइंस डे में बड़ा इंजॉय किया है हमने। ब्रदर शाहिन हमें बड़ी मज़े की प्लेस पे लेके आए हैं, तो ये गिफ्ट भी इन्होंने हमें जो है वो दिए हैं, इयर रिंग्स हैं इसके अंदर। इसको डिप करना है आपने? नहीं, वो कह रही थी 3 मिनट के लिए। जो भी होया है व्लॉग बहुत मजेदार होने और इसी तरह से बॉइल्ड चीज़ें जो है बीच में डालेंगे और फिर उसके बाद सबसे पहले जो ये है नूडल्स हैं और नूडल्स हैं। मर्जी है, हम स्पाइसी में कुक कर सकते हैं, इसमें कुक कर सकते हैं। इनका स्पाइसी भी इतना स्पाइसी है और ये बीफ इस तरह का बीफ है। इसको हम थोड़ी देर बस पानी के अंदर रखेंगे 5 मिनट, मतलब सूप के अंदर, एंड इट विल बी। और इसके साथ कलर्ड डम्पलिंग्स, हमने डम्पलिंग्स ऑर्डर किए हैं और साथ में जो है इसके साथ झींगे यानी कि जो है हमारे साथ प्रॉन्स भी हैं और खाएंगे हम। तो ये हैं शाइन भाई जो आज जिनके साथ हम मिलके यहाँ पे आए हैं और बड़ा मज़ा आ रहा है मुझे तो। आई कैन नॉट एक्सप्लेन लाइफ एक्सपीरियंस कर लूँ ना ऐड पाकिस्तान के रह के बस उतना बन गया इधर वाले में। तो मुझे खाना है बीफ और मैं कर रही हूँ बीफ को पका रही हूँ। 5 मिनट के अंदर जो है ये बिल्कुल रेडी हो जाएगा, बल्कि 5 मिनट से भी कम टाइम लगेगा और ये वैसे बहुत टेस्टी है, इतना खाना बुरा नहीं है, मज़े का है। मैंने तो फुल इन्जॉय किया। मैंने वही मैं बता रहा हूँ कि मेरी स्ट्रगल शुरू हुई थी मजदूरी से। मैं टाटा बाजार तो मैं पैदल आना सिर्फ इसलिए कि मैं घर फ्रूट लैके जा सकता। तो मतलब रस्ते जो मैं ना मेरे माँ बाप को पता लगा फिर मैं इस वजह तो थोड़ा जा हुआ है कि मैंने सी मैं क्या यार गाइस सूप अच्छा है। बस भाई ये ढिड बहुत जल्दी भर गया। अच्छा अब ब्रीक वाले नहीं इतना भरते सिंह जी नहीं तो
ਸਬਜ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਸਹੀ ਨਾ ਨਾ ਇਹੋ ਪਾਇਓ ਨਾ ਨਹੀਂ ਡਾਲੂਗੇ ਵੈਜ ਵਰਮਾਈਸਲੀ ਇਹ ਦੇ ਜਲਦੀ ਦਿਖਾ ਦੇ ਯਾਰ ਬਾਬੀ ਆ ਦੇਖ ਯਾਰ ਆ ਦੇਖ ਮਜ਼ਾ शिंग 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 भी करो सबसे ज्यादा तो हम यहाँ पे भी लॉगिंग पे मजा ले रहे हैं डोंट माइंड ओके लेडीज आएगी चलो अगर नहीं भी खाया जा रहा ना तो पैक कर लेते हैं तो फिर घर जाके खा लेंगे चलो सिर्फ वो ही है फनलैंड तो सिंधबाद झूले ले लो आ जा हाँ जी ताड़े अब मेरे ना बन रही है नहीं फंगस नहीं है ये नहीं मेरे भी फंगस नहीं थी नीता सब मेरे, नहीं नहीं मैं परसों गया नेंडोस पे पास्ता देगा उसे पास्ता बना रहा था और यहाँ पे हैप्पी बर्थडे विश कर रहे हैं ये चाइनीज में क्योंकि चाइनीज का आज शायद कुछ त्यौहार था समथिंग स्पेशल था और ये बड़े अच्छे तरीके से विश कर रहे थे लेकिन मैंने वॉइस इसलिए बंद कर दी क्योंकि हमेशा जो है ना आपको पता है कॉपीराइट आ जाता है जैसे ही कोई ना कोई म्यूज़िक कुछ और लगाते हैं हम तो कॉपीराइट क्लेम जो है इस पर आ जाता है विच इज़ रियली वेरी नॉट गुड खैर आप इंजॉय कर रहे होंगे मेरी मैं उम्मीद करती हूँ हमने तो बहुत इंजॉय किया है बहुत ज़्यादा इंजॉय किया है मैंने तो बहुत मज़ा किया है एंड इट वाज सो फन टू सी हिम द वे ही इज मेकिंग मेरा तो आज एक्सपीरियंस बेहद अच्छा रहा है इयररिंग्स नहीं है वो शोभी के पास मेरे शोभी ने लेनी है वी टुक दिस फैन हम लेके ये वाले फैंस अब जा रहे हैं वापस घर को और अभी शालून का भी पता करेंगे कहाँ है वो दुबई मॉल का ये एरिया बहुत ही खूबसूरत है पता है ये सारी सिटी बनाई हुई है पूरा दुबई और वो जो है 3D है और ये ऊपर से स्काई में है मतलब स्ट्रेट वॉल में है तो यहाँ पे प्ले स्टेशन भी है ये बहुत प्यारा एरिया है ट्रस्ट मी और इसके बाद मैंने सोचा कि मैं भी इसमें थोड़ी सी व्यूज ले लूँ अच्छे तरीके से पूरी सिटी आपको दिखती है इसी तरह से और आज का दिन बेहद खूबसूरत है मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों ने भी व्लॉग को एंजॉय किया होगा जी इजाज़त और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने भी आज के व्लॉग को एंजॉय किया होगा फिर मिलेंगे हम एक नए व्लॉग के साथ ये है जी सपनों का शहर द फ्यूचर सिटी दुबई और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल फॉर मोर अपडेट्स एंड यू कैन शेयर माई वीडियो टू सो बाय बाय हैव अ नाइस डे प्लीज़ सब्सक्राइब